ये देखिए हमारा स्नैक्स कितना सुंदर कलर आ गया, हमारा स्नैक्स कितना सुंदर बनी है। एकदम मस्त बनी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी थोड़ा बढ़िया हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग में आएगा एक ऐसा रेसिपी, ना वो समोसा है ना कचौरी है, ये आटे से बनने वाला एक फटाफट बनने वाला एक मस्त रेसिपी है। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अभी क्या बनाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। फिलहाल रेसिपी के लिए बस कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि गाजर और ये आलू, ये हमने उबाल के रखा था और उसका छिलका मैंने निकाल लिया है और बस उसका थोड़ा प्रिपेयर कर देते हैं, फिर भाभी का आटा गूंदेगा तो फिर बनाएंगे रेसिपी। पहले मैं गाजर को थोड़ा कद्दूकस कर लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस। पहले गाजर को इस तरह कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, ये रहा उबला हुआ आलू, इसमें डाल देते हैं गाजर। ये जीरा पाउडर हमने डाला है, बस उससे थोड़ा कद्दूकस कर लेते हैं। हाथ से बस चटनी बना लेते हैं। ये रहा धनिया का पत्ता, ये देसी पत्ता नहीं है, ये इसे हम बोलते हैं चाइनीज पत्ता, चाइनीज धनिया पत्ता। तो ये हमने हमारा मूली ले ला के वहाँ पर लगाया है हमारे पहाड़ी के अंदर, बस इसे डाल देते हैं। फाइनली हमने आटे में स्टफिंग के लिए बना लिया है ये, और आगे दिखाता हूँ आप लोगों को प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। अभी भाभी आटा गूंदेगा, बस दिखाता है आप लोगों को एकदम फटाफट बनने वाला ये रेसिपी, एकदम मस्त रेसिपी है। आप लोग घर में जरूर ट्राई करना, और पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना एक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए भाभी गूंद रही है आटा। ये देखिए हमारा रोटी जैसा शेप के लिए ये हमने गोला बना लिया है भाभी। ये देखिए बस पानी में थोड़ा स्टफिंग के लिए हम लोग आटा इससे पानी में डाल रहे हैं। ये देखिए बस 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 ये रहा, बस ये हमारा काम खत्म हो गया है, बस अभी इसको करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए बस हमारा स्नैक्स बन रही है,
बस इसे एक रोल बनाएंगे, रोल बनने के बाद उसे काटेंगे, काटने के बाद वो जो छोटा छोटा पीस हो जाएगा वो तो इसमें डालेंगे, डालने के बाद तेल में छान लेंगे, एकदम मस्त बनेगा। और भाभी ने एक बार बनाया था, बस आज बना रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से बना रहा है। चलिए देखिए, इसके ऊपर एक रोटी, बस ये हो गया, बस इसे थोड़ा रोल बनाएंगे। बस इसे काटा जा रहा है, बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बस फटाफट कर लेते हैं। पैन भी गर्म हो चुकी है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमारा स्नैक्स कितना सुंदर बनी है। एकदम मस्त बनी है, एकदम दुकान जैसा। ये देखिए हमारा स्नैक्स कितना सुंदर कलर आ गई है। फाइनली हमारा स्नैक्स बन के रेडी हो चुकी है। कितना सुंदर कलर आई है, एकदम मस्त कलर आई है। भाभी ने आज मस्त बनाया। ये जो स्नैक्स है एकदम मस्त बनी है। ये एक नई टाइप का रेसिपी है, बस आप लोग घर में जरूर ट्राई करना, और मस्त बनती है, और सारे लोग मिलके खाना। और इसके साथ टमाटर का चटनी और थोड़ा मिर्ची का चटनी होना, टेस्ट मस्त आएगा, बस घर में जरूर ट्राई करना। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे से आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे मेरे ब्लॉग में अच्छे अच्छे रेसिपी मसाला अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेगा। अभी खाते हैं सारे लोग मिलके, सारे परिवार मिलके खाएंगे अभी। भाभी ने आज मस्त स्नैक्स बनाया और सारे लोग मिलके खा रहे हैं, मिलके खा रहे हैं, एकदम मस्त स्नैक्स बनाया भाभी ने आज। ये आटा का मस्त रेसिपी है, फटाफट बनती है, बस आप लोग घर में जरूर ट्राई करना। ग्रल स्नैक्स तो मस्त बनी थी। आज का ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।